नमस्कार, वेलकम टू SGKG स्टडीज यूट्यूब चैनल क्लासेस एंड ऑन दिस चैनल नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइलिंग ऑफ पेपर्स. सो फाइलिंग इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइल रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर एंड फाइलिंग ऑफ पेपर्स. So first we will learn what is file register. A record of files opened during a calendar year will be kept in a file register to be maintained by the section. So एक साल में जितने भी फाइल खुलेंगे उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा कि उस रजिस्टर में लिखा जाएगा कि कब कौन फाइल ओपन हुई है. उसको फाइल रजिस्टर कहते हैं. फाइल रजिस्टर इसलिए बनाया जाता है ताकि जितने भी फाइल ओपन किए हुए हैं उनको मोनिटर किया जा सके, वो इधर उधर गायब ना हो सके. फाइल मूवमेंट रजिस्टर. मूवमेंट्स ऑफ फाइल्स आर मेड इन ए फाइल मूवमेंट रजिस्टर. अ स्पेसिमेन ऑफ ए फाइल मूवमेंट रजिस्टर इज एट अपेंडिक्स सो-सो-सो-सो. डिपार्टमेंट्स आर एडवाइज टू यूज द ई फाइल MIS रिपोर्ट अवेलेबल इन ई ऑफिस. सो फाइल मूवमेंट रजिस्टर क्या होता है? मूवमेंट्स ऑफ फाइल्स आर मेड इन ए फाइल मूवमेंट रजिस्टर. फाइल्स को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जा भेजने की ज़रूरत होती है डिस्पोजल के लिए. तो जब कोई फाइल एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, और जिस रजिस्टर में उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है उसको फाइल मूवमेंट रजिस्टर कहते हैं. उसमें सीरियल नंबर फाइल का, रेफरेंस नंबर फाइल का, सब्जेक्ट और किस अफसर के पास, किस सेक्शन के पास वो भेजा जा रहा है उसकी एंट्री होती है. रिसीव करने वाले की भी वहाँ पर सिग्नेचर होते हैं. तो उसका स्पेसिमेन है फाइल रजिस्टर का. फाइल रजिस्टर का ये स्पेसिमेन है. फाइल नंबर हो जाएगा, सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा, डेट ऑफ ओपनिंग एंड डेट ऑफ क्लोजिंग, क्लासिफिकेशन इफ एनी एंड रिमार्क्स. सो एंट्रीज इन कॉलम 1, 2, 3 विल बी मेड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग फाइल्स एंड दोज इन कॉलम 4 एंड 5 एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिव्यूइंग देम. ईयर ऑफ रिव्यू इन कॉलम 5 इज रिक्वायर्ड टू बी इंडिकेटेड मनली इन द केस ऑफ कैटेगरी सी फाइल्स. इफ एज ए रिजल्ट ऑफ रिव्यू अ फाइल इज मार्क्ड फॉर फर्दर रिटेंशन द ईयर ऑफ नेक्स्ट रिव्यू विल बी वर्कड आउट एंड इंडिकेटेड इन कॉलम 5. सो इस तरीके से ये फाइल रजिस्टर है. फाइल रजिस्टर में सब्जेक्ट में सीरियल नंबर, फाइल नंबर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डेट ऑफ ओपनिंग हो गया, इतना तो पहले ही हो जाएगा. डेट ऑफ क्लोजिंग जब क्लोज किया जाएगा तब यहाँ पर मेंशन किया जाएगा. क्लासिफिकेशन अगर कोई है एंड ईयर ऑफ रिव्यू है तो उसको मेंशन करेंगे, और इसके अलावा अगर कुछ है तो इसमें मेंशन करेंगे. तो इसको बोलते हैं फाइल रजिस्टर. अब फाइल रजिस्टर से फाइल मूवमेंट रजिस्टर जो होता है अलग होता है. फाइल मूवमेंट रजिस्टर में क्या होगा? सब्जेक्ट लिखा होगा, फाइल नंबर होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, और उसके बाद से टू होम डेट, टू होम डेट, टू होम डेट, ये है. ये जो फाइल है और ये जो सब्जेक्ट नंबर मैटर है ये किसके पास जा रहा है और किस डेट में जा रहा है, इसका इसमें मूवमेंट का ध्यान रख जाएगा. मूवमेंट विल बी मार्क्ड बाय इंडिकेटिंग द ऑफिसर, सेक्शन, डिपार्टमेंट विच द फाइल हैज बीन सेंट विद डेट ऑफ सेंडिंग बिलो इट. सो ये हुआ फाइल मूवमेंट रजिस्टर. जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. इसके बाद से अब हम फाइलिंग ऑफ पेपर्स की बात करते हैं. पेपर्स जो होते हैं फाइलों में कैसे डाले जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं. जो भी इनकमिंग कम्युनिकेशन है, आउटगोइंग कॉरेस्पॉन्डेंट कम्युनिकेशन है, उन सबको फाइल में कैसे रखा जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. फाइलिंग ऑफ पेपर्स मीन्स प्लेसिंग द PUC एंड FRs इन द कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन एंड द नोट्स इन द नोट पोर्शन ऑफ द फाइल. सो बोल रहे हैं कि फाइलिंग ऑफ पेपर का मतलब क्या होता है. जो भी PUC मतलब पेपर अंडर कंसिडरेशन एंड और आर, FR मीन्स फ्रेश रिसीट्स इन द कॉरेस्पॉन्डेंस. जितने भी आपके पास पेपर अंडर कंसिडरेशन हैं, FRs हैं, नोट्स हैं, उनको करेक्ट जगह पे प्लेस करने को ही फाइलिंग ऑफ पेपर्स कहते हैं.
कैसे करते हैं। पेपर्स रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड आर टू बी पंच्ड ऑन द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर लीविंग 1 इंच ईच ऑन द टॉप एंड लेफ्ट कॉर्नर। सो क्या करना है, प्लेसिंग करने से पहले जो भी पेपर पर है उसको पंच करना है, उसमें होल करना है। होल करने का रूल क्या है, 1 इंच टॉप एंड 1 इंच लेफ्ट, उसको ध्यान में रखना है और लेफ्ट कॉर्नर में ही उसको पंच करना है। सो लेफ्ट कॉर्नर में पंच कीजिए, 1 इंच लेफ्ट और टॉप में बचा करके। किस लिए, फटेगा नहीं, नहीं तो अगर बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर पे करेंगे तो फट जाएगा। नोट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, अपेंडिक्स नोट्स, अपेंडिक्स, ये सारे को आप उसी तरीके से पंचिंग करके और तब उसमें टैग करना है। बोथ द नोट्स पोर्शन एंड द कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन ऑफ ए फाइल आर टू बी सेपरेटली पेज्ड नंबर्ड। सो आपको जैसे कि हमने पहले क्लास में ही बताया है, नोट शीट जो होंगे वो लेफ्ट साइड में होते होंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस जो होंगे राइट साइड में होंगे। तो राइट साइड में जो कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे उनकी नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे उनका अपना इंडिपेंडेंट होगा। और नोट साइड में जो नोट्स होंगे उनकी नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनका इंडिपेंडेंट होगा, दोनों का नंबरिंग अलग अलग होगा। फर्स्ट पेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस शैल बी ऑन द टॉप वाइल द लास्ट पेज ऑफ शैल बी एट द बॉटम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन। सो क्या करेंगे, जनरली जितने भी पेज कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे उनके टॉप राइट कॉर्नर पर 1, 2, 3, 4 उनका नंबर सीरियल नंबर नंबरिंग किया जाएगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लास्ट जो पेज होगा, लास्ट जो पेपर होगा उसको हम बॉटम में उसका लिखेंगे नंबरिंग, सो दैट ये समझ में आ जाएगा कि ये लास्ट पेपर है। तो ये अच्छा एक इंडिकेशन है समझने के लिए। इसके बाद से समटाइम्स द लेटेस्ट PUC और FR इज केप्ट ऑन द टॉप फॉर क्विक एक्सेस बाई सीनियर ऑफिसर। कभी कभी, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, नॉट रेगुलरली, कभी कभी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होते हैं जो फटाफट साहब को बताने हैं, तो उसमें क्या करेंगे, फाइल के ऊपर ही उस पेपर को रखेंगे, बाइंडर लगाएंगे और साहब के पास रख देंगे ताकि साहब की नज़र उस पर पड़ सके। ये एक कभी कभी वाला सिचुएशन है, ये रेगुलर सिचुएशन नहीं है। रेगुलर में ये है कि फाइल बुक हुआ है, साहब के पास गया है, नोट शीट भीतर लेफ्ट साइड में है, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस राइट साइड में है, साहब उसको ओपन करेंगे और सॉल्व उसको एक्शन लेंगे। वाइल डूइंग सो इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट ईच सच PUC एंड FR इज पेज नंबर्ड एंड प्रेफरेंस्ड एंड डॉकेट। सो प्रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर करना है, डॉकेटिंग भी करना है। आफ्टर एक्शन देयर ऑन इज डिसाइडेड द PUC और FRs अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ आउट गोइंग कम्युनिकेशन इफ एनी मस्ट बी ट्रांसफर टू द बॉटम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्सन टू इंश्योर क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंसेस। सो कहने का मतलब ये है कि PR और FR करना है। PR और FR मतलब प्रीवियस रेफरेंस, FR मीन्स फ्रेश रेफरेंस, PUC मतलब पेपर अंडर कंसिडरेशन। फिफ्थ में बोथ द नोट्स पोर्शन एंड द कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन आर प्लेस्ड इन ए सिंगल फाइल कवर। सो एक ही फाइल कवर में, ऐसा नहीं कि नोट शीट के लिए अलग फाइल कवर रख लीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए अलग फाइल रख लीजिए, जी नहीं, एक ही फाइल कवर में राइट साइड में कॉरेस्पॉन्डेंस रहेगा, लेफ्ट साइड में नोट्स रहेंगे। लेफ्ट एंड ऑफ द ए टैग इन द नोट पोर्शन विल बी टैग्ड ऑन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फाइल कवर्ड and right end of the tag will remain as such untagged. In the case of correspondence portion, right side of the tag will be tagged into the right side of the same file cover and left side of the tag will remain as such untagged. So जहाँ पे punching करेंगे वो punching में tag लगाते हैं। टैग क्या बोलते हैं, एक थ्रेड होता है, उस थ्रेड के दोनों कॉर्नर पर पतले पतले नुकीले मेटल होते हैं, तो उससे हम उसमें पार करते हैं, उसको टैगिंग बोलते हैं। उसके बाद से अर्लियर कम्युनिकेशन रेफर टू एज द रिसिप्ट आर और द इशू आई विल बी इंडिकेटेड इन रेड इंक बाई गिविंग द पोजिशन ऑफ दिस रेफरेंस ऑन द फाइल। अपने पास रेडिंग का प्रयोग शायद नहीं होता है, इंक का बारे में हम अलग से वीडियो डालेंगे। इफ़ ए फाइल इज बल्की सेपरेट फाइल कवर्स मे बी मेंटेन्ड फॉर कीपिंग अपेंडिक्स टू नोट्स। कभी कभी अपेंडिक्स बहुत मोटा हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में बल्की हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में अपेंडिक्स को सेपरेट फोल्डर में फाइल के साथ बाइंडर लगा करके प्लेस किया जाता है। रूटीन रिसीट्स एंड इशूज़,
like reminder acknowledgements and routine notes will not be allowed to clutter the file. They will be placed below the file in a separate cover and destroyed when. So क्या होता है, जो routine type के receipt and issues हैं उनके लिए उनके उनको file में इकट्ठा करके reminder हो गया, acknowledgement हो गया, बल्कि नहीं पकड़ना है file को, उनको फाइल में ही एक अलग कवर में रखेंगे और उसको टाइम आने पर उसको डिस्पोजिट डिस्ट्रॉय कर देंगे. इसके बाद से इफ द फाइल इज नॉट बल्कि अपेंडिक्स टू नोट्स एंड अपेंडिक्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस मे बी केप्ट अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव नोट पोर्शन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग. सो अगर फाइल बल्कि नहीं है और अपेंडिक्स भी पतला है तो जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसके साथ ही रखा जा सकता है. टू फैसिलिटेट ईजी हैंडलिंग ऑफ फाइल व्हेन द नोट्स प्लस the correspondence portion of a file become bulky, say 150 to 200 pages, it will be staged and marked volume 1 and volume 1 ke baad volume 2. In volume 2 and subsequent volumes of the same file, page numbering in notes portion and correspondence portion is to be made in continuity of the last page number in the note portion correspondence. So yahan par ek naya cheez hai. जब भी नेक्स्ट वॉल्यूम हम खोलेंगे, वॉल्यूम टू, वॉल्यूम थ्री, वॉल्यूम फोर, तो उसमें क्या करेंगे, जो प्रीवियस सीरियल नंबर है, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डेंस का हो चाहे नोटिंग का हो, जो पहले जो प्रीवियस सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर, दैट सीरियल नंबर विल कंटिन्यू, नया नहीं डालना है. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखना है. आज का नीति श्लोक, तादृशी जायते बुद्धि वर्यसायोपि तादृश सहायास्तादृशायव यादृशी भवितम भवितव्यता. मनुष्य जैसा भाग्य लेकर के आता है उसकी बुद्धि भी उसी के समान हो जाती है, कार्य और व्यापार भी उसी के अनुरूप मिलते हैं, उसके सहयोगी संगी साथी भी उसे भाग्य के अनुरूप ही मिलते हैं, सारा क्रियाकलाप भाग्यानुसार ही संचालित होता है. कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम सौभाग्य लेकर के आते हैं अपने साथ, बुद्धि लेकर के आते हैं अपने साथ, घर लेकर के आते हैं अपने साथ, तो सब एक ही अनुरूप के होते हैं. अगर हम राजा के घर में भाग्य लेकर के आएंगे तो हमारी बुद्धि भी उन्हीं के समान बढ़ जाएगी, राजत्व को प्राप्त करेगी, कार्य व्यापार भी उसी के अनुरूप मिल जाएगा, सहयोगी संगी साथी भी उसी के अनुरूप हो जाते हैं, सारा क्रियाकलाप ही भाग्य अनुसार संचालित होने लगता है. तो इसलिए भाग्य का अपना ही निराला खेल है, किसी को नहीं पता किसकी किसका भाग्य कहाँ पे कब इंतजार कर रही है. इसलिए अपने कर्म पत्र पर अग्रसर रहें, हो सकता है कि आपके कर्म पथ पर ही आपके साथ साथ आपके भाग्य भी चल रहे हों. इसलिए मनुष्य जैसा भाग्य लेकर के आता है उसकी बुद्धि भी उसी के समान बन जाती है, कार्य व्यवहार भी उसी के अनुरूप मिलता है, उसके सहयोगी संगी साथी भी भाग्य के अनुरूप होते हैं और सारा क्रियाकलाप भी भाग्य अनुसार ही संचालित होता है. जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है वे कर लें. डिस्क्लेमर यह है कि इन केस ऑफ एनी वेरियंस इन दिस ट्रेनिंग मटेरियल द गवर्नमेंट गाइडलाइंस रूल्स लॉ शैल प्रिवेल.